यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य सचिव भी झांसी पहुंचे। सीएम योगी के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल के साथ झांसी पहुंचे। 344 झांसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हादसे की जांच होगी, लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्थानीय प्रशासन को 24 घंटे में प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जहां से डीएम डीआईजी और एसएसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी समेत अस्पताल का कैंप कर रहे हैं। झांसी अस्पताल में रात 8:30 बजे आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। अस्पताल प्रशासन ने आनंद फानंद में बिजली काट कर हादसे को विकराल होने से रोका। आग लगने के बाद पूरे अस्पताल में अंधेरा और धुआं छा गया। घटना के वीडियो में दमकल कर्मी अस्पताल का शीशा तोड़कर बच्चों को निकालते दिखाई दे रहे हैं। दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना। परिजन और मरीज जान बचाने के लिए भागने लगे। अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति मची। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की घटना पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। घटना को बताया हृदय विदारक। ईश्वर परिजनों को क्रूर आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं पीएमओ ने झांसी की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हादसा मन को व्यथित करने वाला है। जिन्होंने मासूम बच्चों को खो दिया है, हर संभव राहत पहुंचाई जाएगी। झांसी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग से नवजात बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया गहरा दुख। एक्सपर्ट पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। कमिश्नर और डीआईजी से कार्य 12 घंटे में रिपोर्ट तलब। झांसी हादसे पर पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि समस्त शोक संतप्त परिवार को 1-1 करोड़ संवेदना राशि दे सरकार, गोरखपुर न दोहराया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है। सीएम चुनावी प्रचार छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान दें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घटना को बहुत दुखद बताया। ईश्वर हादसे में घायल शिशुओं को जल्द से जल्द स्वस्थ करें और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। हादसे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि घोर लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है, सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद करे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने घटना को लेकर कहा कि इस तरह की कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार अधिकारी चला रहे हैं, घटना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार। और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं, बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज 2 जनसभाएं, अमरावती और चंद्रपुर में राहुल गांधी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री, शिरडी साईं बाबा के दर्शन के बाद प्रियंका गांधी शिरडी और कोल्हापुर में भरेंगी हुंकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज झारखंड में 3 चुनावी जनसभा, खड़गे की जामताड़ा, रांची के ओर मांझी और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा बरनाला और गिदेरवाहा में चुनावी जनसभा को पंजाब सीएम भगवंत मान भी करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केजरीवाल। मान 1205 पुलिस विभाग के नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी का प्रचार अभियान जारी है। गाजियाबाद और सीसामऊ में सीएम करेंगे रोड शो, फूलपुर और खैर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद के विजयनगर के चाणक्य चौक से मेडिकल चौराहा रोड पर सीएम योगी रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान 100 से अधिक स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम हैं। हरियाणा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार रेवाड़ी में अपने पीएस के बेटे की शादी में नीतीश और उनके बेटे ने शिरकत की।
पीएम मोदी आज 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे और नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा करेंगे। अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम 17 से 19 नवंबर तक ब्राजील के दौरे पर रहेंगे। ब्राजील दौरे पर G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। इस दौरान जिनपिंग से मुलाकात संभव है। ब्राजील के बाद पीएम गुयाना की यात्रा करेंगे, जहां वो कई देशों के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम गुयाना में कैरिबियन सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में संग्राम। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे अजीत पवार, बटेंगे तो कटेंगे में कुछ भी गलत नहीं। अजीत ने कहा था कि ऐसे नारे यहां नहीं चलेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज बांटने का लगाया आरोप, कहा कि अंग्रेजों के बांटो और राज करो के नारे को बीजेपी ने अपनाया। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर दी प्रतिक्रिया। थाने में एक जनसभा में अकबरुद्दीन ने अपने समर्थकों से नहीं डरने और एकजुट रहने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को संबोधन। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा कि महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार के कार्यकाल से प्रभावित हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर पीएम ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं, उनसे संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। पश्चिम बंगाल में टैबलेट योजना घोटाले पर सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि हमारा प्रशासन सक्रिय है, जांच के एसआईटी का हुआ गठन और घोटाले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार। आज से राजधानी दिल्ली में सनातन धर्म संसद, जगतगुरु शंकराचार्य सहित तमाम धर्म गुरु और कथावाचक होंगे शामिल। धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग। धर्म संसद के लिए देश के तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को बुलाया गया। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के लिए सहयोगी की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। देवघर में मीडिया से बात करते हुए कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया, सीएम रेस में नहीं, ना तो मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं और ना ही मैं अध्यक्ष की दौड़ में हूं, मैं ऐसी किसी दौड़ में नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए महायुति में दरवाजा बंद है, कहा कि उनकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी, लोग इस बार महायुति को निर्णायक बहुमत देंगे। यूपी के बाद बिहार में बटोगे तो कटोगे के जवाब में लगे पोस्टर पटना की सड़कों पर, आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टरों में लिखा, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। मुरादाबाद में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले सपा ने मुसलमानों को समझा है बिरयानी का तेजपत्ता, हर पार्टी इस्तेमाल के बाद निकाल फेंक देती है, एक बार बीजेपी के बारे में सोचें। आरक्षण और जाति के मुद्दे पर एमवीए पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कि उद्धव में हिम्मत है तो एक बार राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की तारीफ कहलवाकर दिखाएं। पीएम मोदी का उद्धव ठाकरे पर बड़ा प्रहार, कहा कि ठाकरे का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में है, राहुल कभी भी बालासाहेब की प्रशंसा नहीं करते। संजय राउत ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि हर पार्टी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं पीएम, हमने अपना रिमोट पीएम को नहीं दिया इसलिए वो नाराज हैं। यूपी उपचुनाव में अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग तेज, अखिलेश ने कहा कि कोई वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है, संविधान की व्यवस्था को नहीं मानती बीजेपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज बांटने का लगाया आरोप, कहा कि अंग्रेजों के बांटो और राज करो के नारे को बीजेपी ने अपना लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहा कि हमारी विरासत राम मंदिर है तो सपा की विरासत खान मुबारक अतीक और मुख्तार है। अमित शाह का झारखंड घुसपैठियों पर बयान, कहा कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे हेमंत, सरकार ने घुसपैठियों के स्वागत में कालीन बिछाई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर किया बड़ा दावा, कहा कि पीएम मोदी के राज में अंतिम सांस गिन रहा है नक्सलवाद, 31 मार्च 2026 तक मामूल नष्ट करने का किया दावा। झारखंड के बोकारो में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा कि अरबपतियों की सरकार है, आप जितना जीएसटी देते हैं उतना ही जीएसटी अडानी देते हैं। बीजेपी आरएसएस पर खड़गे का वार, कहा कि बीजेपी आरएसएस ने बाला साहेब और संविधान का अपमान किया है। राजस्थान के टोंक के देवली उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, नरेश ने 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान एसडीएम को मारा था थप्पड़।
दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप जारी, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, दिल्ली के कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर खतरनाक, द्वारका, पूसा रोड, मुंडका, पंजाबी बाग और नॉर्थ कैंपस में 400 के पार पहुंचा AQI। IGI में 397 और RKpuram में 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली NCR में फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं है, हवा का स्तर बेहद गंभीर है, कूड़ा जलाने, खनन, निर्माण कार्य और डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध जारी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, नारायणपुर सीमा पर अभूजमाड के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर जारी। भारत के भरोसेमंद ब्रांड अमूल और बजाज ऑटो के संयुक्त प्रयास से पुणे से अमूल क्लीन फ्यूल रैली की शुरुआत, 12 बाइकर देश की पहली बायो CNG बाइक बजाज फ्रीडम के साथ दिल्ली के लिए हुए रवाना, रैली के जरिए क्लीन फ्यूल का संदेश, देश के अलग अलग हिस्सों से भी निकाली जाएगी क्लीन फ्यूल रैली। क्लीन फ्यूल रैली की शुरुआत 15 नवंबर को पुणे से हुई, 19 नवंबर को इस रैली की जम्मू से शुरुआत होगी। बायो CNG बाइक और कार की रैली 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। इस दिन अमूल ग्रुप श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। कृषि और पर्यावरण हित में अमूल ने क्लीन फ्यूल जागरण अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य है किसानों को दूध के साथ गाय के गोबर का भी अच्छा पैसा मिले और खेती के लिए अच्छी खाद और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। गाय के गोबर से अच्छी कमाई के लिए बायो CNG के 6 पंप गुजरात में लग चुके हैं, इससे किसानों को पैसा और अच्छी खाद मिलेगी। नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने इस साल की थीम क्लीन फ्यूल रैली रखी है, ये बताने के लिए कि गाय से सिर्फ हमें दूध ही नहीं मिलता है, उसके गोबर से भी हम एक बढ़िया कॉम्प्रेस बायोगैस जैसा फ्यूल बना सकते हैं। जैसे अपने बाइक्स देखी वो CBG फ्यूल पे चलती है, उसी तरह गाड़ियाँ भी CNG फ्यूल पे और CBG कंप्रेस बायोगैस फ्यूल पे चलती है। हमने इस तरह के प्लांट्स गुजरात में डाले हैं और पूरे देश भर में इस तरह से हम जो काम करेंगे तो हमको शुद्ध अच्छी क्वालिटी का फ्यूल जो देश में उत्पादन हुआ है वो मिलेगा। Winning, moving forward, adapting, overcoming challenges. They've been here for more than 75 years and hopefully they'll be here for much longer into the future. That's something that's a heritage, that's a legacy that we can all be proud of. बाबा सिद्दीकी के शूटरों का बड़ा खुलासा, लॉरेंस किंग के निशाने पर था श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को साकेत कोर्ट में मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। आफ्ताब को खत्म करने के लिए लॉरेंस के गुर्गों ने एक महीने तक लगातार रेकी की और हत्या को अंजाम देने के लिए मुंबई से शुभम लोनकर को दिल्ली बुलाया। बाबा सिद्दीकी की हत्या में मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर। श्रद्धा वालकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पुणेवाला ने साल 2022 में उसकी टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी थी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। देव दिवाली पर नजर आया वाराणसी का विहंगम नजारा, काशी के 84 घाटों पर चलाए गए 11 लाख दिए, दशाश्वमेघ से चैत सिंह घाट तक दिए, रिजर्शो और आतिशबाजी का दिखा अद्भुत नजारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में देव दीपावली समारोह के दौरान लेजर शो देखा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में डिप्टी CM दिया कुमारी सहित कई बीजेपी नेताओं ने जयपुर घाट पर की महाआरती। देव दीपावली के मौके पर 5100 महिलाओं ने 52 घाटों पर 51,000 दीये जलाए।